नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो हम लोगों ने स्टोन क्लीडिंग लगाया है इसको पॉलिश कैसे करते हैं, मतलब इसमें जो वर्निश मारते हैं क्लियर वर्निश, इसमें हम लोग ग्लॉसी के लिए जो ये मैटनेस होता है इसको थोड़ा ग्लॉसी देखने के लिए, थोड़ा शाइनिंग करने के लिए इसमें हम लोग वर्निश करते हैं। तो स्टोन क्लीडिंग में कैसे वर्निश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आप देख रहे हैं आप उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स में कि आप अपने स्टोन क्लीडिंग में पॉलिश कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारा जगह जो है ये 5 फीट का अराउंड में है और ये हाइट में अराउंड 5.5 फीट का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो वर्निश स्टोन है ये आप देखिए थोड़ा टेक्सचर में है तो ये थोड़ा सा मैट लग रहा है और लाइट जलाने के बाद मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये जो लाइट जला रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें एक फोकस, मतलब ये मैट जो टेक्सचर दिख रहा है पत्थर में ये टेक्सचर रहेगा, सारा कुछ रहेगा, लेकिन ये जो अभी मैट दिख रहा है इसको हम लोग जब पॉलिश कर देंगे तो ये वाला पत्थर थोड़ा सा डार्क होगा, मतलब ऐसा थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये वाला थोड़ा और डार्क हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शाइनिंग आ जाएगा, एक चमक आ जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले जो वर्निश होता है आपका जो भी फर्नीचर है, स्विच बोर्ड वगैरह है, आप उसको ढक लीजिए क्योंकि वर्निश का जो एक वो बहुत ज़्यादा मतलब गम की तरफ हो जाता है, मतलब आटा की तरफ हो जाता है, वो पूरा एक स्टोन टाइप का बन जाता है। तो इसको आप जितना भी स्विच बोर्ड है या फिर जो भी रैक वगैरह आप करते हैं डिज़ाइन वगैरह सभी को अच्छे से टेपिंग वगैरह कर लीजिए। उसके बाद इसको आपको ढकने के बाद यहाँ पर आपको इसमें पॉलिश करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा हम लोग यहाँ पर टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग करने के बाद इसको आपको कौन सा वर्निश करना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह में हम लोग का पूरा पॉलिश होगा और इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि ये कैसा क्या हम लोग का यहाँ पे प्लानिंग है। तो इसको आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आप एशियन पेंट का देख सकते हैं क्लियर सिंथेटिक वर्निश, ये 1/2 लीटर का हमारा है क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर ये सारा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है और ये जो मटेरियल है ऐसा है। आप देख रहे होंगे जैसे ये मारने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा पत्थर में डार्कनेस आ रहा है, मतलब वो जो अभी सूखने के बाद थोड़ा सा आपका डार्क लगेगा क्योंकि ये जो वर्निश होता है पत्थर का जो कलर होता है जब उसमें कोई भी चीज़ मॉइस्चर जा रहा है या फिर उसका केमिकल जा रहा है तो वो चीज़ थोड़ा सा वो डार्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसका आप इसका डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्राई है, पूरा ड्राई है, नेचुरल है और ये केमिकल होने के बाद अभी थोड़ा सा डार्क हो रहा है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होगा ये और थोड़ा सा लाइट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला भी हमारा क्या कि गीला है बोल के आपको डार्क लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा सूखने के बाद ये थोड़ा सा आपका हल्का लाइट होगा। लेकिन ये प्लस पॉलिश करने का मतलब क्या है कि अब इसमें जो लाइट पड़ेगा वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जो पत्थर था हमारा इसमें लाइट देने के बाद क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी क्या है कि इसमें हमारा रिफ्लेक्शन आएगा। ये जो आप देख रहे हैं पॉलिश इसमें अभी हमारा रिफ्लेक्शन आएगा, सूखने के बाद उसका एक लेयर हो जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये आपका कंप्लीट होने के बाद मैं ये हाफ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका एक बार पूरा दिखा दूंगा। अभी इसमें आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा लाइट है। तो ये अभी हमारा ऊपर में ये वाला पार्ट हो गया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा इसका कम होने के बाद इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कारपिन मिलाया है, तारपिन तेल मिलाया है जो कि थोड़ा सा इसका जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है, इसको थिकनेस को थोड़ा हम लोग पतला करने के लिए इसमें हम लोगों ने थोड़ा तारपिन मिलाया है, तारपिन ऑयल। ओके, मतलब ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा थिकनेस पतला करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे तारपिन ऑयल को इसको मिक्स किया है प्रॉपर। और उसके बाद इसको आपको और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप जो करते हैं पूरा कवर वगैरह कर लीजिए, स्विच वगैरह कर लीजिए क्योंकि ये जस्ट लाइक एक एरालाइट की तरह होता है, सूखने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा हो चुका है और ये वाला भी हो रहा है। तो ऐसे करके आप इसको पॉलिश कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप देख रहे होंगे साइड से तो ये थोड़ा शाइनिंग आपका सब थोड़ा ये हो जाएगा सूखने के बाद। ये आपका इसमें क्या है कि आप डस्ट इसमें आपको नहीं बैठेगा, आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये एक जो लेयर मारना होता है हमारा, इसके वजह से हम लोग पॉलिश कर देते हैं ताकि इसका जो एक शाइनिंग है वो बना रहे। और ऐसे करके आप इसको पॉलिश कर सकते हैं और इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, हैंड से ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं बोलूँगा कि आप इसको ब्रश से ही कीजिए। बहुत लोग स्प्रे भी करते हैं लेकिन मैं अगर बोलूँगा तो आप इसको अगर हैंड से करेंगे तो ये प्रॉपर हर जगह में जाके लगता है। और हमारा जो भी होता है मैनुअली हम लोग ब्रश से ही करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा इसमें ये आपका पूरा हम लोग का पॉलिश हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ तो इसलिए मैं आपको ये पूरा दिखा दिया। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ऐसा ही ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है और ये लाइट हो जा रहा है। तो इस तरह से आप पॉलिश करा सकते हैं अपने, कोई भी नेचुरल स्टोन होगा, कोई भी स्टोन होगा, क्लैडिंग होगा, तो इसमें आपको ये क्लियर वर्निश आपको कराना चाहिए ताकि उसका जो एक व्यू है और जो उसका लुक है वो थोड़ा अच्छा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि आपने देखा ये वाला पार्ट हम लोगों का पॉलिश हो चुका है और अभी मैं साइड से निकलने वाला हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको दिखाया और इसका एक ओवरव्यू भी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।